श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने जिन्हों वे वे अहद्या एक्स डायरेक्टर ट्यूबवैल कारपोरेशन दे रहे हैं, जनरल सैकटरी भी रह चुके हैं कांग्रेस के, पंजाब के प्रेसिडेंट नैशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चन भाईचारे के भी रह चुके हैं। उन्होंने अज जो कांग्रेस से जो हालात बने हैं, जो पाटो धाड़ के हालात बने हैं, जो लोगों के मुद्दों पर कांग्रेस बिल्कुल भटक चुकी है और किस्सा सिर्फ कुर्सी का बन के रह गया और जो एटीट्यूड प्रेजेंट कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नफरत भरा एटीट्यूड दलित भाईचारे प्रति, शेड्यूल कास्ट भाईचारे प्रति, जिन्हों एडा वड्डा मान रंगरेटे गुरु के बेटे कह के गुरु साहब ने बख्शिश किया, मगर मौजूदा कांग्रेस की जो डिसलाइक है, जो नफरत है, जो हेटरेड है शेड्यूल कास्ट भाईचारे प्रति और नाल ही क्रिश्चियन माइनॉरिटीज प्रति, जिस तरीके की इल ट्रीटमेंट, जिस तरीके की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मौजूदा कांग्रेस के प्रधान वालों देखी जा रही है, वो तो दुखी होके अज कांग्रेस पार्टी नू अलविदा कह रहे। और मेरी जब इन्हां नाल गल होई कहिंदे जी नफरत नवजोत सिंह सिद्धू दी कल्ली शेड्यूल कास्ट भाईचारे तक या क्रिश्चन भाईचारे तक सीमित नहीं, कहिंदे हिंदू भाईचारे नू भी जिस तरीके नाल अपमानित किया गया उहदी गल जाखड़ साहब ने भी रखी है कि 42 MLA होने के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्होंने विरोध इसलिए करता कि पंजाब च हिंदू चेहरा नहीं चाहिए, सिख चेहरा चाहिए, ते की है पंजाब नू वंडन की कोशिश की जा रही है, पंजाब नू कम्यूनल लाइन्स ते वंड के पंजाब का नुकसान करने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू मौजूदा कांग्रेस का प्रधान कर रहा है। और की ये अपमान इस गुरु पीरा दी धरती का नहीं हो रहा? की ये सोच गवांडी मुल्क दी ते नहीं पहरा दिता जा रहा? और अफसोस नाल कहना पैंदा जो धरती सरबत दे भले दी अरदास करदी है, अज कांग्रेस पार्टी दे आ जोसफ साहब जेड़े प्रेसिडेंट ने इस गल नूं छड़ के भी बयान कर रहे हैं माइनॉरिटी इज इन डेंजर, शेड्यूल कास्ट भाईचारे दा भविख नवजोत सिंह सिद्धू दी प्रधानगी हेठ रस इज इन डेंजर, सुरक्षित नहीं। और नाल ही हिंदू भाईचारे दा जो अपमान किया उन्होंने बाय अपोजिंग जाखड़ साहब, वो सारी मानसिकता नफरत सिर्फ लड़ाई कि कुर्सी मेरे को आ जाए, लोगों नू भुल गए है, भाईचारे सांझ नू भुल गए, कम्यूनल हार्मनी नू भुल गए, उतो दुखी होके अज श्रोमणी अकाली दल में आए हैं। मैं सत्कारयोग रोशन जोसफ जी नू अज नाल ही सुखबीर सिंह जी बादल ने इन्हां नू मीत प्रधान वाइस प्रेजिडेंट ते बुलारे दे रूप च इन्हां नू पार्टी च नवाजिया, इन्हां दा धन्नवाद। थोड़ा कोई सवाल जी? देखो ते नवजोत सिंह सिद्धू की कर रहा, उन्हें कल ही कहता कि कठपुतली, उन्हें कल ही कहता कमजोर,
और जिस दिन दे चन्नी साहब बने हैं सब तो वध उन्होंने अपमानित करन दा काम ता कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। हर मुद्दे ते उन्होंने बेइज्जत किया, उन्होंने फैसले नू क्रिटिसाइज किया। सो उन्होंने बीजेपी की कर रही है उहदा फिक्र छड्डन, आप दी कांग्रेस दी जो प्रधान दी सोच है उहदा फिक्र करन। और जो ईडी ने किया है, देखो मैं बड़े चिर दा कह रहा कि एक चेन है, सब तो पहला मनी फड़िया गया, मनी तो हनी फड़िया गया, हुण हनी तो चन्नी फड़िया जाना। ये चन्नी मनी हनी इन्हां दी घोटाले दा घोटालिया दे जिहड़े सिरताज ने बादशाह ने खजाने दी लुट करन वाले, बिकॉज हनी दी कोई पहचान नहीं, उहदी पहचान कली इन्नी है कि वह मुख्यमंत्री का साली का मुंडा है। इना कारण करके ही उदू सीएम सिक्योरिटी मिली, और वो जो पैसे ने वो हनी दे नहीं है, वो चन्नी दे ने। मनी ऑल्सो बिलोंग्स टू चन्नी, हनी ऑल्सो बिलोंग्स टू चन्नी। इसलिए कार्रवाई जे करनी है तो करप्शन के विरुद्ध करनी है, दे पंजाब के खजाने दी लुट नू, लोकां दे खजाने दी लुट नू रोकना, ते एक्शन फिर चन्नी दे खिलाफ चाहिदा। हनी मनी तक कला खड़ी ने दी। सिद्धू कल हाईकमांड ते फिर भड़के आ, उन्होंने चन्नी वाल इशारा करदे आ कहा कि हाईकमांड नू कमजोर ते अपने इशारे ते नचण वाला मुख्यमंत्री चाहिदा। मैं ओही तां कह रहा मौंगा साहब, जे ईडी रेड करे ते कहिंदे भाजपा कारवाई कर रही है, ओ तां रेड पर रेड करी जा रहा सिद्धू, और वह अपमानित पहले दिन तो उन्होंने कर रहा। गुस्सा ही इस गल का है कि दलित चेहरा शड्यूल कास्ट भाईचारे तो बंदा मुख्यमंत्री क्यों बन गया, और कांग्रेस का प्रधान है। इसलिए सब तो वध जे किसे, और यही गल जोसफ साहब कह रहे हैं, इन्हों के मूहों भी सुन लियो कि किस तरीके की नफरत सिद्धू साहब न, एक तरीके की बदबू आती है जो इन्हों की शब्दावली जो सोच क्रिश्चियन माइनॉरिटी प्रति शड्यूल कास्ट भाईचारे प्रति जो देखने मिल रही, और जाखड़ साहब ने खुद भी बयान करती, जेड़ा सूबा कम्यूनल आमली ते बसदा है, भाईचारक सांझ की जिदिया नीयां ने उन्हों अज कमजोर करने काम तो प्रधान ही कर रहा। ये कि कैटेगरी हुई या ये कि गल हुई कि कहने कि वह हिंदू है तो सीएम नहीं बन सकता, कितने लिखे संविधान च? विक्रम जी तुम्हें लगता कि ईस्ट विधानसभा हल्के जी लड़ाई है तुहाडे ते नवजोत सिद्धू दे आपस दे विच राजनीति दी ना होके पर्सनल रंजिश मंगी है? ओ जी ये तुसी बनाउणा चाहुंदे हो, नवजोत सिंह सिद्धू बनाउणा चाहुंदे आ, मेरी कोई पर्सनली, मैं तो भरा नूं हसना सिखाउणा चाहुंदा। खुशी जिहड़ी माड़ी वैरायटी ओह घरे चंगी, घरों जद निकलदा जिथे जिहड़ी सड़क तो लंघदा ओह हल्के चो लंघदा ओह दुखी। 18 साल ईस्ट हल्के की नुमाइंदगी की, हम सब्जी मंडी वाले आए बैठे मेरे वीर प्रधान जी हुरी सारे, हाल वेखो जाके की है मंडी का, मूह बोल दी तस्वीर है। पंजाब का मॉडल जे सिद्धू का किसी ने वेखना तो आओ सब्जी मंडी एशिया की सब तो वड्डी मंडी अमृतसर साहब से आओ, तुहानू दिखूगा मॉडल इहदा पंजाब दा। चलो चंगी गल है, हले तक तो भी थोड़े दिन पहला तक तो भी रुस्से बैठे सी, उन्होंने भी इन्हों जीरो किया, धर्म पतली ली घर आला तो हीरो रहना ही रहना, गल तो लोगों की हो रही है, इतना अखा चो जीरो बन गया। अक्सर भविखबाणी करते हो, तो की भविखबाणी जे सिद्धू नूं नहीं सीएम चेहरा बनाया जाता
मैं थानू कहता जी खड़का दड़का होना ही होना बड़ा कुछ होना बड़ा तगड़ा खलारा पैना और तुसी आप दे कैमरे चुस्त दुरुस्त होके रहो। अज होगी चार पांच होगी कि चार आज चार तरीक 36 घंटे की गल रहेगी तो बाद थोड़े कैमरे च फुल ही फुल आना काम जेड़ा कल कही जा रहा है कि चन्नी बेसिकली इशारा तो चन्नी साहब ते है ना कि कठपुतली है कमजोर है देश दी हां। सो पीपीसीसी दा प्रधान सीधे आरोप राहुल गांधी दी चॉइस ते ला रहा और ओदी करप्शन और सीएम चन्नी की कहना मैं उन्हें एक लफ्ज वरत्या सीगा कि मैं गरीब जरूर हाँ मगर मैं कमजोर नहीं हाँ। वो कहना मैं कमजोर हाँ ना चन्नी साहब गरीब तो तुसी है नहीं रेट तो बाद सब नू समझ आ गई है कमजोर तुसी है कि नहीं है ये 6 तरीक दस दू मैनू लगता उन्होंने कहा मैं मजबूर नहीं हाँ या कमजोर है जा कोई बोलिया कितो दी सिद्धू नू कहिंदा होना जिदे बाजे बज जाने और मैं तुहानू ये विश्वास दूंगा कि जो सिद्धू साहब नू 6 तरीक तो बाद जे लोड़ पऊगी तो आप जे छोटे वीर नू फोन कर दे मैं उन्हूं फिर मनाउण दी जाऊंगा असि दोवें रुस चले ते मनाऊ कौन वे बीबी सिद्धू ते बाबा सिद्धू नू मनावांगे ओदी तां कल्ले दी ओदी घर दी दी वोट ओनू पै जे बड़ी प्राप्ति है वोट पाउणी है लोकां ने ये लोकतंत्र है और नवजोत सिंह सिद्धू आप दी हार कबूली बैठे है जद उन्होंने ये गल कही सी कि मैं ऊं तां जित्तू सकदा जे मशीना च गड़बड़ ना होवे मशीना दा नुक्स तां उन्होंने कागज भरदिया ही कढ़ता हले मशीना दा नुक्स कढ़िया 20 आउंदे आउंदिया या 10 मार्च चढ़दिया चढ़दिया उन्होंने बंदिया दा नुक्स कढ़ देना उस तों पहला चन्नी दा नुक्स भी कढ़ता 6 तक चन्नी दा नुक्स कढ़ देना 10 तक राहुल दा पटाका पा देना देखो चन्नी साहब दी आप दी एक जो पर्सनैलिटी बन गई है चन्नी मन्नी हनी ओ तो को बचा नहीं सकता और ठोको ताली दे जो रवैया है एरोगेंस है अहंकार है मैं हमेशा जिन्हें 18 साल हर सरकार च देखो कांग्रेस दी होवे श्रोमणी अकाली दल दी होवे भाजपा दी होवे हर सरकार च मोरी रोल अदा कीता मगर परफॉर्मेंस 0 परफॉर्मेंस दे आधार ते बिल्कुल ही एक मैं कह सकदा फेल और आज भी मॉडल पंजाब दी गल करदे आ मॉडल ईस्ट दा तां हल्के दा वेखो आ के रोज रोंडी पिटदा मुख्यमंत्री बना दिओ मुख्यमंत्री बना दिओ मैं तां लगदा जिवें इक दे हार्ट अटैक ही ना हो जाए उस दिन जे ना लाने रब ओनू कृपा करे तगड़ा रखे मगर जिस तरह ओदा माहौल बनता जा रहा ओदा तां पंजाब दी गल तां कदे कीती नहीं पंजाब लई त्याग कदा कीता किसे नू मिलना नहीं किसे दा फोन चुकना नहीं किसे नू लभना नहीं वन वे टिकट ही आ
आप दी गल ही सुनाउणी है दूजे दी सुननी जे लोकां दे तुसीं नुमाइंदे हो सुननी नहीं ते थोड़ी लोक तू सुनना लैवल दी गल कीती तुसीं एकदम स्पीच दिंदे आ कि लैवल ओदा ना उपर है ते जिहड़ा फोन करवाउण आया ओदा डाउन नहीं होणा की इह सचमुच जी इसे तरह ही तुसीं कह रहे हो फोजे मिलदी नहीं सब लैवल तुसीं भी वेखे आ लोकां ओदा लैवल ठा नहीं डिगदा लोकल दा लैवल है गां ठा नहीं चुक सकिया ते हालात इही ने गुरु कृपा करो लोकां दी जित हो अमृतसर ईस्ट दी जित हो 18 साल दा बनवास 18 साल दा जो लोकां ने करप्शन जो धक्केशाही गुंडागर्दी इहदे चेलिया ने चेतिया ने कीती है ओदा पर्दा पाश होगा 18 साल चो जो डिवेलपमेंट डेड है अज ओदा दी एंड आ रहा है तरक्की दी लोका दी सुनवाई दी पारी शुरू होगी इस तरह नहीं तुसी एक गल गलत है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜਾ ਗੇਟ ਨਾ ਕਢਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ 200 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 7 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ 5,05,00,000 ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸਾਡੇ 6,000 ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 200-225,000 ਲਾਈਟ ਲਵਾਈ ਨਾ ਸਾਡੇ 6,000 ਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ 11-12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਚੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਚੂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਆਊ ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਿਰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਜੋਸਫ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾੜਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਖਾ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ
हां जी आउणगे जी आउणगे इक जॉइनिंग होर बड़ी जरूरी है जी आओ जाओ एक मिनट जी इत्थे उहनां दी गल सुन लो तत बड़ी जरूरी है जी देखो क्रिश्चियन भाईचारे नूं ब्लॉक मैं रोशन जोसफ डिस्ट्रिक्ट प्रधान कांग्रेस कमेटी गुरदासपुर तो यूथ कांग्रेस तो मैं शुरू किया ते बहुत लंबा समा असीं इन्हां दी सेवा करदे रहे और क्रिश्चियन भाईचारा तकरीबन कांग्रेस दे नाल बहुत लंबा समा अज भी चलता रहा है लेकिन जिहड़ियां इन्हां दी नीतियां और जिहड़ी सिद्धू साहब ने हुण रवैया फड़ लिया है इकलौता डिस्ट्रिक्ट प्रधान सी मैं पूरे पंजाब दे विच इन्हां ने होर तां कुछ लिस्ट बनाई नहीं कोई अजे तक बॉडी बनाई नहीं बना नहीं सके लेकिन जिहड़ा क्रिश्चियन प्रधान सी ओह वी इन्हां ला दित्ता आउण आ तुसीं वेख्या पिछे राहुल गांधी जी दी इत्थे फेरी सीगी सारे ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਮਨੋਰਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਤੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਮਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਔਰ ਤਲੋਕਾਤ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸ਼ੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਰ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੇ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਧੀਆ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਖਾਲਪਤ ਔਰ ਜਲਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਹੇਟਰਡ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਟਰਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸ ਏ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਔਰ ਐਕਸ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਯੂਥ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੋਚ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ
भाईचारिक सोच है, सोच है, एंटी दलित सोच है, एंटी हिंदू सोच है, उस गल तो दुखी होके वर्करा दे नाल जो नफरत है अज साडे सत्कारयोग जयकरण सिंह जी जिन्हां जेके नाल मशहूर ने वार्ड नंबर 24 ईस्ट हल्के च है, ये सैकटरी पंजाब माइनोरिटीज पंजाब जिहड़ा कांग्रेस का माइनोरिटीज का विंग है उहदे सैकटरी ने ये भी कांग्रेस पार्टी नूं छड के अज श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। इन्हां नूं श्रोमणी यूथ अकाली दल दा सी, अज जनरल सैकटरी भी ऐलान रहे हैं और नाल ही इन्हां नूं जिम्मेवारी एक बुलारे दे तौर ते भी पार्टी दी यूथ दी दे रहे, नाल ही इन्हां दे नाल आ बुला लो जी बाकी वकील साहब गगनदीप सिंह आनंद साहब एडवोकेट साहब बाकी भाई के लिए चलो पा दियो मैं नौ ले जाना फिर मेरा।